तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखे थे कुछ ऐसे गाड़ी सोल्ड ऑफ कार पार्ट में, अभी स्टार्ट करते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आ गया हूँ मैं सोल्ड ऑफ कार मार्ट में, क्रॉस कार में। आज मैं आया हूँ उबेर बाइक में, भैया है तो भैया एक बार नाम बोल दीजिए। फहीम नाम है। फहीम भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उबेर बाइक से आया हूँ मैं आज सोल्ड ऑफ कार मार्ट में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। फहीम भाई थैंक यू। वेलकम भाई। इसका प्राइस पेट्रोल ही है, डीजल है उसका। वो जो आपका था वो आपका पेट्रोल का सबसे टॉप मॉडल है, ये आपका डीजल वेरियंट में ये आपका सबसे टॉप मॉडल है। ये VX मॉडल है, इसमें आपका कंपनी फिटेड अलॉयज है, कंपनी फिटेड इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है। ये VX है, चारों पावर विंडो ये सब आता है, वुड फिनिश डैशबोर्ड है इसमें। तो ये 12 का गाड़ी है, ये क्या लाइटनिंग टैक्स के साथ या नहीं? ये 22 टैक्स है, 2022 टैक्स है। और डीजल में है तो माइलेज तो इसमें बहुत अच्छी है, 20+20+ इंडिगो का माइलेज है, 20+ बहुत ही अच्छा होता है इंडिगो का माइलेज। और इसका प्राइसिंग है कमर्शियली यूज होता है, कमर्शियल यूज है एकदम। और इसका जो प्राइसिंग है 130,000। तो वो वाला मिला है 120 में लाइफ टाइम टैक्स के साथ पेट्रोल। ये है 2012 का डीजल, ये फुल 130, 1,30,000। गाड़ी फुल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, थोड़ा बाहर में कल थोड़ा बारिश वगैरह हुआ बोल के थोड़ा गाड़ी में ये एकदम है। गाड़ी फुल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, गाड़ी लेने से आपको पूरा टेफ्लॉन करके डिलीवरी मिलेगी, मतलब एकदम पॉलिशिंग वॉलिशिंग करके डिलीवरी मिल जाएगा। तो ये वाला गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, दो दो इंडिगो का ऑप्शन है, एक है पेट्रोल एक है डीजल, एक ही तरीके का उसका प्राइसिंग भी है और थोड़ा बहुत नेगोशिएबल तो मेरे व्यूअर्स के लिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट गाड़ी पे आ जाते हैं, ये है सुमो, ये टाटा सुमो गोल्ड है। Okay. 2011 नवंबर की गाड़ी है, टैक्स भी इसका नवंबर तक दिया हुआ है। गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी है। कितना सीटर हो जाएगा? 7 सीटर। हाँ ये आपका वही है, 7-8 सीटर गाड़ी, 10 सीटर में नहीं है। और आपका इसका जो प्राइसिंग होने वाला है ये लगभग 2 लाख रुपये, अराउंड 195 तक। तो एक है क्वालिस का ऑप्शन, एक है सुमो का ऑप्शन, और टायर तो आप लोग देख ही पा रहे एकदम जाइगेंटिक टायर है, मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए एकदम परफेक्ट होता है ये सब गाड़ी, सुमो वगैरह एकदम। तो 2 लाख में मिल रहा है, इसे ऑल कमर्शियल यूज कार्स है, मतलब कमर्शियल भी यूज कर सकते हो। 2011 का गाड़ी है, 21 नवंबर तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है। कंडीशन कैसा शोर होता है? कंडीशन ठीक है, कंडीशन ठीक ही एकदम। तो ये वाला सुमो शोर के भी शोर ऑफ कार्मेंट में शायद और एक सुमो है। हम लोग के पास और एक भी सुमो है, वो 2012 की है, वो भी सुमो गोल्ड है, वो एसी पावर स्टीयरिंग में है। और ये गाड़ी आपका स्टैंडर्ड है, ये वाला जो गाड़ी है इसमें एसी नहीं है, वो आपका चेरी कलर की गाड़ी है, वो गैराज में है, गाड़ी अभी थोड़ा फिनिशिंग हो रहा है तो उसमें है, उसमें आपका एसी पावर स्टीयरिंग होगा। तो उसका भी प्राइस थोड़ा सेम आने दीजिए, आने दीजिए, उसका थोड़ा रेट ज़्यादा अराउंड 250 का बोल देता हूँ। कि बहुत सारा गाड़ी है आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कलेक्शन बहुत सारा है, तो इंटीरियर का अगर फोटोज अगर वीडियोस देखना है तो शोर ऑफ तक जरूर कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, तो शोर ऑफ तक का भेज देंगे। तो ये वाला गाड़ी i20 ये है, i20 है, ये 2012 की गाड़ी है, ये i20 डीजल में। ओके। ये भी फुल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, गाड़ी अराउंड 60,000 ड्रिवन है, गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी है, मैकेनिकल पे कोई इशू नहीं है गाड़ी। और ये पेनी म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसमें सब कुछ है गाड़ी में। और ये मैग्ना है, और ये 6-speed गियर बॉक्स है, मतलब आपका रियर गियर लेके आपका 7 होगा, 7। ओके ओके। तो ये आपका लिमिटेड एडिशन में आया ये सब गाड़ी, ये डीजल वर्जन में, मतलब लिमिटेड कैटेगरी में ये सब गाड़ी आता है, मतलब जो कि मतलब कंपनी से बहुत ही कम मतलब डिलीवर होते हैं ये गाड़ी, ये वाला। और ये न्यू शेप में है, डीजल गाड़ी है, और नंबर भी इसका अच्छा है, 7979 गाड़ी का नंबर है। और इसका जो प्राइसिंग है 2,85,000 डीजल का हुंडई। शोर ऑफ कार मार्ट में मेजोरिटी मतलब हम लोगों को दिखता है कि मारुति का गाड़ी, हुंडई का गाड़ी, फॉक्स वैगन का भी गाड़ी रहता है। ये व्हाइट कलर पोलो वेंटो, ये वेंटो है, मतलब एकदम सेडान कार है, ऐसे दर है, वेंटो डीजल है 1.6। ये आपका कम्फर्ट लाइन है गाड़ी, और गाड़ी 62,000 ड्रिवन गाड़ी है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, इसका भी सारा पेपर्स अपडेटेड है। अच्छा, बहुत लोगों का मतलब क्वेश्चन रहता है कि कंफर्ट लाइन मतलब कि ये मिड वेरिएंट होता है। हाँ, मिड वेरिएंट हाईलाइन टॉप मॉडल में, इसमें अलॉयज वगैरह वो सब आता है, बाकी इसमें बाकी सारा कुछ है, हाईलाइन में इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ आता है। इसमें भी म्यूजिक सिस्टम है, केनवुड का लगा हुआ है, बाकी ये कम्फर्ट लाइन है। और इसका जो प्राइसिंग है आपका 2,15,000, 2,15,000 रुपये, डीजल गाड़ी है, 1.6 है। और ये होने वाले कौन से साल का? 2012 का गाड़ी आप लोगों को मिल रहा है वेंटो, मतलब 2 लाख की रेंज में बोल सकते हैं, एकदम वाइट कलर में, बहुत ही बढ़िया है। उसके ऊपर चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी जो कि होने वाला है, ये है हुंडई i20 आस्ता।
ओके, टॉप मॉडल, एकदम टॉप मॉडल, इसमें एयरबैग्स वगैरह सब कुछ है, अलॉय व्हील्स, एयरबैग्स वगैरह सब में, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, गोल्डन कलर की गाड़ी है। ये भी गाड़ी मोटा मोटी आपका 80% ओरिजिनल पेंट में ही है गाड़ी, और गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, कम, ये भी कम चली हुई गाड़ी है, और ऐसा है मतलब सब कुछ, सब कुछ इसमें, तो मिलेगा इसमें, इसमें, इसमें इसमें सारा सब कुछ फीचर्स है, एलॉय भी रहता है, एलॉय भी है, और इसका जो प्राइसिंग है 230,000 रुपये 230 में मिल जाएगा एस्टा, एकदम शायद उस टाइम पे पुश बटन स्टार्ट नहीं रहता था, पर एकदम टॉप फीचर्स इसमें मौजूद है। i20 मतलब हम लोग देखे थे, मैग्ना में भी ऑप्शन है, एस्टा में भी है, i10 का भी 2-3 ऑप्शन है, और ये सभी पेट्रोल होने वाला है, सब पेट्रोल, सब पेट्रोल गाड़ी है, और इसमें माइलेज ये सब i20 i10 में मतलब 11-12 तो माइलेज मिल ही जाएगा, विद इन 12-14 के भीतर एवरेज में आ गया आपका, तो बहुत ही बढ़िया है, और सब नहीं मतलब कंडीशन अच्छा ही मिला है, एकदम पेपर्स अपडेट है, अपडेटेड, ओके। तो कैमरे के पीछे सत्यदा को बहुत सारा थैंक यू, हर टाइम बहुत ही हेल्प करते हैं सत्यदा। तो शोर ऑफ द ये रेड कलर और एक i20 क्या ये ग्रैंड i10 ये ग्रैंड i10 ये हुंडई ग्रैंड i10 ये आपका मैग्ना है, ये फुल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, 2017 की गाड़ी है, 17 का गाड़ी यस, और गाड़ी 29,000 ड्रिवन है, आप देख ही सक रहे हो गाड़ी फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, और गाड़ी बहुत अच्छा है, गाड़ी में लेके कोई काम नहीं है, मैकेनिकल सस्पेंशन इश्यूज वगैरह कुछ नहीं है, मतलब मैकेनिकल कोई काम नहीं है, मतलब बाहर से देखते कि मतलब थोड़ा बहुत जो स्क्रैचेस है वो तो आफ्टर मतलब गैरेज में जाके मतलब 1-2 हज़ार में ठीक हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम, और गाड़ी में कोई इश्यूज नहीं है, टायर्स वगैरह एकदम नया है, कुछ नहीं करने का, और इसका प्राइस है 355,000 2017 की ग्रैंड i10 29,000 रुपये है, जिसका टैक्स मतलब और एक साल तो रहेगा ही, एक साल तो ग्रैंड i10 मिल रहा है, ये भी मैग्ना है, हाँ मैग्ना 355,000 में मिल रहा है ग्रैंड i10। इधर चले आते हैं, फिर और एक तो i20 है, क्योंकि मेरे पास में अभी 5-6 तो i20 है, तो उसमें ये तीसरा i20 आपको दिख रहा है, ये है स्पोर्ट्स पेट्रोल, ओके, इसमें भी आपका एयरबैग्स है, आपका एलॉय व्हील भी है, ये 2012 की गाड़ी है, 22 तक टैक्स दिया हुआ है गाड़ी, ओके, तो इसका जो प्राइस है 295, यूनिक शेप में है गाड़ी, न्यू शेप में है, क्योंकि 2012 के बाद 2014 का भी शेप चेंज हुआ था थोड़ा बहुत, तो मतलब ये जो गाड़ी है ये आप लोग जैसे जान पा रहे कि ये स्पोर्ट्स में है, मतलब एक होता है एस्टा, एस्टा के नीचे वाला है स्पोर्ट्स, उसके नीचे वाला मैग्ना, मतलब हर तरह का आजकल जैसे सौरभ दा बोल रहे हैं कि हर तरह का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, और बजट एकदम 1.5-2 लाख से लेकर स्टार्ट करके 3 लाख तक मिल जाएगा, 2011 की गाड़ी है, और ये गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी है, मतलब वेरी वेल मेंटेन गाड़ी है, 44,000 43-44 ऐसी कुछ चली हुई गाड़ी है, एलेक्सा ही है, न्यू शेप में ये कलर भी अच्छी है जेनेस्टोलो में, और गाड़ी में एसी पावर स्टीयरिंग है, फ्रंट टू पावर विंडोज है, म्यूजिक सिस्टम भी है गाड़ी में, मतलब VXI है, एलेक्सा ही। इसका प्राइस है 1,25,000 ओनली 125, इसका रोड टैक्स फेल है, इसका आपको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब जो कि 21 में ही फेल हुआ है, हाँ, तो इसमें मतलब रोड टैक्स 30,000 के अराउंड तो आ ही जाएगा, 30,000 तो फिर भी मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा प्राइसिंग है, 1,25,000 जेन एस्टिलो मिल रहा है, बहुत ही कमाल का है, और वो भी मतलब कम चला हुआ, कितना चला होगा ये अराउंड 45 विद इन 45,000। इसके बाद आ जाते हैं स्विफ्ट, हाँ ये स्विफ्ट है 2012 की गाड़ी है, स्विफ्ट VDI डीजल वर्जन में, VDI में जो आप जानते हैं जैसे चारों पावर विंडो सेंट्रल लॉक वगैरह इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम सब कुछ रहता है, इसमें स्क्रीन टच सिस्टम भी है, म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा फिटेड में है, ओके, ये 12 का गाड़ी है, 22 तक टैक्स दिया हुआ है, और इसका जो प्राइस है 275 2,75,000 रुपये, वाइट कलर की गाड़ी है, स्विफ्ट VDI 2012 की, और इसका टायर मतलब सब कुछ कंडीशन, हाँ मोटा मोटी ठीक है, सब ठीक है, 2,75,000 में मिल जाएगा 2012 का स्विफ्ट वाइट कलर में VDI है। ये है महिंद्रा क्वांटो, हाँ ये है महिंद्रा क्वांटो, ये क्वांटो C8 है, ये 7-सीटर गाड़ी है, 45,000 रुपये है गाड़ी, इसका टायर्स एकदम ब्रांड न्यू है, बैटरी ब्रांड न्यू है, सबका बैटरी कार्ड टायर का नया बिल वगैरह सब मिल जाएगा आपको, 2013 की गाड़ी है, 23 टैक्स है, और सारा पेपर्स इसका अपडेटेड है गाड़ी का, 7-सीटर गाड़ी है, एकदम टॉप मॉडल, एकदम टॉप मॉडल है, महिंद्रा का गाड़ी है, बहुत अच्छा गाड़ी है, और डीजल में है तो मतलब 15 के ऊपर तो हाईवे में मिली है, इसका माइलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि 1400cc की गाड़ी है, ये बड़ा गाड़ी जितना भी आता है स्कॉर्पियो वगैरह सब 2,250cc का आता है, इनोवा वगैरह, ये 1400cc की गाड़ी है, इसलिए इसका माइलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, और 7-सीटर गाड़ी है, और ये वेरी गुड कार, वेरी ड्राइविंग कंफर्ट, आप भी शायद मतलब चला के देखे हैं लॉन्ग जर्नी में, खुद ये गाड़ी लेके गए थे, दीघा भीघा घूम के आया था गाड़ी लेके, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, गाड़ी सब बहुत अच्छी है, मतलब बहुत लोगों का ये लगता है कि मतलब बड़ा गाड़ी लेंगे तो आर्टिका लेंगे, ऐसा कुछ सोचना, मतलब
महिंद्रा क्वांटो भी बहुत ही अच्छा गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी है जो अभी जो प्राइस में मिला है, जिससे वैल्यू फॉर मनी, किसका नया कदम करीब 13 लाख 13.5 लाख रुपया है अभी आपको मोटा मोटी, ये गाड़ी आपको 3.5 लाख में मिल रहा है, तो 3.5 लाख इट्स अ गुड बाय फॉर 2013 ईयर कार। मतलब ऐसे ही प्राइस में अगर कोई मतलब अर्टिगा वगैरह अर्टिगा नहीं मिलेगा तो 5 लाख में मिल जाएगा वो, वैल्यू फॉर मनी। मतलब इसका जो गाड़ी अभी जो प्राइस में मिल रहा है ये 7 सीटर के लिए बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल भी है, वेरी कंफर्टेबल। तो नेक्स्ट गाड़ी रेड कलर में i10, ये और एक तो i10 है, ये i10 एरा है, ये 2013 की गाड़ी है, ये भी 2023 तक इसका टैक्स पेमेंट है, एरा जो कि बेस मॉडल है और इसका प्राइस है आपका 2,10,000 रुपये, नेगोशियबल प्राइस है 2,10,000। और ये कौन से साल का होने वाला है? 2013 13 का गाड़ी मिल रहा है 2,10,000 में, मतलब नेगोशिएट हो गया 2 लाख में ही हो जाए। धीरे करके एकदम लाइन के एंड में हम लोग जा रहे हैं, जैसे हम लोग स्कूल में बैठते थे एकदम लाइन के एंड में, बैक बेंचर्स थे हम लोग तो एकदम लाइन के पीछे वाला गाड़ी आप लोग देख रहे हैं। तो ये आ जाते हैं वैगनर रेड कलर में, ये वैगनर ब्लू आई है, ओके 2010 VXI, ओके 2010 की गाड़ी है, VXI है, इसका 5 मंथ्स हुआ आपका टैक्स फेल है, रोड टैक्स फेल हुआ, तो इसका जो प्राइसिंग होने वाला है 1,40,000, 1,40,000 में 2010 की VXI, AC पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉक, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, VXI है, बैक वाइपर है, सब कुछ है, इसमें टैक्स में आपका 30,000 का लगभग टैक्स लगेगा और इसका प्राइसिंग है 1,40,000। ये ब्लू आई है, ये ओल्ड शेप नहीं है, ब्लू आई वाला है वैगन VXI। आप लोग मतलब ऑफर में क्या देने वाले हैं? ऑफर में अभी वो सब कुछ कुछ गाड़ी में रहता है, वो अंदर टेबल में रहेगा, इसमें कुछ ऑफर्स अभी फिलहाल आए नहीं, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस में जो रेट में मिल रहा है 1,40,000 बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस है, मतलब कोई अगर टैक्स मतलब भरवा के भी ले तो मतलब 170-175 लेके विद इंश्योरेंस 175 पड़ेगा, कि इंश्योरेंस विल कॉस्ट अराउंड 3,850 और आपका टैक्स में 30,000, मतलब अराउंड 34,000 और आपका प्राइस 140, अराउंड 174 में आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो एकदम 25 तक 2025 तक कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला वैगन है ब्लू आई, जरूर देख सकते हैं, और एक वैगन है था वो तो दो वैगन तो ये है मारुति एस्टीम VXI, ओके व्हाइट कलर गाड़ी है, इसे दान में आ रहा है गाड़ी, पुरानी गाड़ी है 2005 की गाड़ी है, सारा पेपर्स अपडेटेड है, CF 2025, फर्स्ट पार्टी कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस है इसमें और आपका टैक्स लाइफ टाइम टैक्स है और इसमें एक्स्ट्रा फिटिंग में आपका अलॉय व्हील है, टायर्स भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है इसका। बहुत सारे लोगों का मतलब पुराने गाड़ी पसंद में आता है, मतलब जो विंटेज जो गाड़ी बोल सकते हैं, तो ये वैसा ही कुछ कैटेगरी में आता है, और ये विंटेज में नहीं आ रहा बाकी फिर भी इसके लिए शॉप के लिए जो एस्टीम चला है तो एस्टीम ही चलाता है। हाँ, मतलब एस्टीम लवर्स के लिए मतलब बहुत ही अच्छा है और कंडीशन अच्छा होगा, वेरी गुड वेरी गुड, माइलेज भी शायद इसमें 13-14 तो मिल ही जाएगा, 12-13 माइलेज मिलेगा उसका, और इसका जो प्राइस है 78,000 ओनली, एस्टीम VXI 2005, सारा पेपर्स अपडेटेड है, एकदम बहुत ही बढ़िया है, व्हाइट कलर में एसटी मिल रहा है 78,000 में, जो कि नेगोशिएट होके लास्ट प्राइस 75 तक हो जाएगा, ओके। तो अभी दो दो मर्सिडीज, तो मतलब देख के ही लगता है सौरभ तो है ही मर्सिडीज लवर, मतलब बाकी BMW ऑडी के बारे में भी थोड़ा सोचिए आप, मतलब जीप कॉम्पस लास्ट ईयर इधर देखे थे और इनोवा भी देखे थे, इनोवा क्रिस्टा, तो अभी है दो दो मर्सिडीज का ऑप्शन, तो इसका डिटेल्स जान लेंगे। ये 2011 की गाड़ी है, 11 का ई क्लास है, पेट्रोल, ई 200 है, ई 200 है, इसमें सनरूफ वगैरह सब, क्लासी गाड़ी है एकदम, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी, ई 200 है और ये आपका 90,000 ड्रिवन है गाड़ी, फुल कंपनी सर्विस है इसमें गाड़ी में, सनरूफ वगैरह सब कुछ है इसमें, एलएस वगैरह ऑटोमेटिक गाड़ी सब ऑटोमेटिक है इसका, ब्रांड न्यू चारों टायर्स एकदम ब्रांड न्यू है, टायर्स इसमें अराउंड 90,000 का टायर्स लगा हुआ है गाड़ी में, एकदम ब्रांड न्यू टायर्स है, टायर्स का बिल वगैरह भी है, फुल कंपनी सर्विस गाड़ी है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि सौरभ दा नहीं बोलेंगे पर मैं बोलता हूँ कि ये गाड़ी सौरभ दा खुद मतलब कुछ साल यूज किए हैं, खुद हम यूज किया था गाड़ी, तो गाड़ी कंडीशन मेरा ही नाम में है गाड़ी गाड़ी तो, भी मेरा ही नाम से गाड़ी, तो मतलब वैसे ही मेंटेन किया हुआ है एकदम, फुल मेंटेन किया है, फुल कंपनी रिकॉर्ड्स का है, इसमें आपका सर्विस कार्ड भी मिल जाएगा गाड़ी में, जो कि कोई भी गाड़ी में इसका कोई पार्ट्स अगर कुछ खराब होता है रिप्लेसमेंट के लिए तो कंपनी से एक तो फ्री इसका एक कूपन है लाइफ टाइम के लिए, वो कूपन भी आपको मिल जाएगा गाड़ी, तो कूपन देके आपका स्पेयर पार्ट्स में या लेबर में आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा गाड़ी, तो मतलब जो कि मर्सिडीज मतलब ये सब प्रीमियम कार्स में बहुत ही मतलब फायदेमंद होता है, क्योंकि लोकल AMC लिया हुआ मर्सिडीज में AMC है, जैसे फुल कंपनी सर्विस है उसके लिए जो कूपन है वो कूपन का कार्ड है वो भी आपको मिल जाएगा गाड़ी के संग, तो डुअल कीज वगैरह सब कुछ है ये गाड़ी में। तो बहुत सारे लोग मतलब पहले दिन से जब सौरभ दा के साथ वीडियो करना स्टार्ट किए तो बहुत सारा कमेंट आता था कि पीछे वाला मर्सिडीज कभी सेल में नहीं आता है, तो अभी ये सेल में आ चुका है, तो इसका प्राइस एक बार जान लेते हैं, इसका प्राइस है 950, 950 में मर्सिडीज ई क्लास, ई क्लास
2011 का गाड़ी है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, ई क्लास मिल रहा है। और इधर सामने में दिख रहे हैं बी क्लास का गाड़ी होने वाला है ये। हाँ, ये है बी क्लास है, ये 2014 की गाड़ी है, ये डीजल है, ये डीजल वर्जन में मिल रहा है, V180 है। ओके, इसमें सनरूफ वगैरह नहीं है, गाड़ी 34,000 रिवन है, और गाड़ी इस ये भी गाड़ी फुल कंपनी सर्विस्ड है, गाड़ी में कोई इश्यूज नहीं है, गाड़ी एकदम एकदम मैकेनिकल टाइट है, टायर्स वगैरह सब कुछ है, गाड़ी में कोई इशू नहीं है, इंटीरियर वगैरह एकदम है। और सबसे बड़ी बात ये नंबर में OD339999 ये नंबर है, उड़ीसा का रजिस्ट्रेशन है, कस्टमर कलकत्ता में ही रहता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी लाएगा तो उनको वहाँ पे भी ऑफिस है, यहाँ पे भी ऑफिस है, सब सब तरह का आपका सपोर्ट हो जाएगा। कोई भुवनेश्वर वाला है, उड़ीसा वाला कोई आप लोग देख रहे हो तो ये आप लोग के लिए एकदम बेस्ट बाई है, आप लोग वहाँ पे लेके जा सकते हैं। और कोई अगर इधर से खरीद रहे हैं तो उसको टैक्स अपडेट करना पड़ेगा? हाँ सर, टैक्स अपडेट करके पेपर अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसका जो प्राइस है 790,000, 790,000 रुपये, 790,000 2014 की बी क्लास। में मतलब ये मैं तो बोलूंगा उड़ीसा वालों के लिए मतलब स्टील डील होने वाला है, क्योंकि 24 तक तो टैक्स मिल ही जाएगा अगर ये तो अभी तो लाइफ टाइम टैक्स है। लाइफ टाइम टैक्स है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है December 2021 तक, इसका पोल्यूशन भी चालू है, सारा पेपर्स अपडेटेड है। और ये सर सेकंड ओनर गाड़ी होने वाला है? ये सेकंड ओनर गाड़ी, और एकदम टास्किंग वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक। तो बहुत ही बढ़िया है, 790 में मिल रहा है लाइफ टाइम टैक्स वाला गाड़ी, फैंसी नंबर के साथ, मर्सिडीज बी क्लास, और जो कि है डीजल, मतलब 12 के ऊपर तो इसमें माइलेज मिल ही जाएगा। तो प्रीमियम गाड़ी का बहुत लोगों का ये रहता है सिर्फ मतलब मेंटेन करना पड़ता है, तो अच्छा माइलेज थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है प्रीमियम गाड़ी में, कोई बाकी ये फिलहाल जो है एकदम मेंटेनेंस फ्री कार है, ये सब इतना जल्दी, ये मर्सिडीज BMW ऑडी बोली ये सब जो जितना भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है इतना जल्दी कोई मेंटेनेंस ये लोग मांगता नहीं, तो थोड़ा भी कुछ इन लोग को देखने चलने से ये मेंटेनेंस नहीं मांगता है, तो मतलब बेफिक्र होकर कोई ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो प्राइस है ये थ्रू एवरेज प्राइस है, ये सब के गाड़ी का जो भी प्राइसिंग में जैसे आ रहा है अभी जो है ये सब एकदम वैल्यू फॉर मनी, ये सब और ये सब वो भी 2014 का गाड़ी है, मतलब सिर्फ 6-7 साल पुराना है, मतलब 2008-9 का भी मर्सिडीज मैंने देखा है, मतलब 6-7 लाख में 8 लाख में बिकता हुआ, तो ये वाला गाड़ी 2014 का गाड़ी 790। तो वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।